हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल में। यहाँ अगर बात करें तो इस डिबेट में बात हो रही है जो कि नजम सेठी ने कल रात 1 बजे ये ट्वीट करके जानकारी दी कि वो अब रेस में नहीं है चेयरमैनशिप के अगले जो आने वाली है। वहाँ पे अगर बात करें तो उनकी चेयरमैनशिप ख़त्म हो चुकी है उनका। और यहाँ पे अगर बात करें तो उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दी है कि अब आगे वो अपने नाम भी नहीं देंगे चेयरमैन के लिए। उन्होंने कहा कि इसकी पॉलिटिकल रीज़न है और पॉलिटिकल यहाँ पे नहीं आना चाहिए स्पोर्ट्स में। इसी पे यहाँ पे बयान देते हुए अफरीदी ने भी कहा कि हर जगह यहाँ पे हम लोगों की मस्जिदों में भी अब पॉलिटिक यहाँ पे घुस चुकी है। यहाँ बात करें तो और पाकिस्तानी वीडियो में रिएक्शन आए हैं पाकिस्तानी यूट्यूबरों के, और इस पे भी हम लोग देखेंगे इस रिएक्शन को। अगर आपको अगर अच्छा लगे वीडियो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। शौकीन है ना, तो आप पाकिस्तान क्रिकेट को फॉलो कर लें। आपको बिल्कुल फ्री में बगैर किसी टिकट के डेली कोई ना कोई ड्रामा देखने को मिलेगा। इतनी जल्दी पाकिस्तान का मौसम चेंज नहीं होता जितनी जल्दी पीसीबी का न्यू चेयरमैन आ जाता है। पिछले 8 महीने के अंदर तीसरा न्यू चेयरमैन आने वाला है। हुआ तो हुआ, क्या एकदम ऐसा क्या हो गया? पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी डी नोटिफाई, नोटिफिकेशन जारी। नजम सेठी चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड की दौड़ से दस्तबरदार। जका अशरफ और मुस्तफा रमदे पीसीबी गवर्निंग बोर्ड के लिए नामजद। ये 2 दिन में क्या माजरा हो गया कि जंगल का जंगल हरा हो गया और यहाँ पे 2 दिन के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में इसकी जो है वो नई ही डुबो के रख दी गई। सितम जरीफी देखें वक्त की, कि वक्त किस तरह चरखी घुमाता है कि रात 2 बजे आपने मैसेज किया रमीज को बाहर भेजने का और रात को 1 बजे आपको खुद मैसेज करना पड़ा अपने आप को बाहर भेजने का। क्या बन रहा है, क्या मजाक बनाया हुआ है, ये क्या क्या चीज है? मतलब ये कोई फिल्म का टिकट है कि एक बारी मैं करो, एक बारी मैं देखूंगा, दूसरी बारी तू देखेगा। ये क्रिकेट चल रही है कि एक बारी मेरी होगी, अगली बारी तू ओपनर आएगा, ये चल क्या रहा है? ये पाकिस्तान के मुंह पे, पाकिस्तानी क्रिकेट के मुंह पे एक बहुत जोरदार तमाचा है, यकीन माने आप। बन गया है मजाक। वो कहते हैं ये है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, जिसमें पता ही नहीं है कि दिन में कौन चेयरमैन है और रात में कौन चेयरमैन है। ठीक है, मीम्स बन रही हैं, मीम्स बन रही हैं। फिर ये भी बात बिल्कुल सही लोग करते हैं कि यार आप क्या बातें कर रहे हैं वर्ल्ड कप के वेन्यूज की, और मतलब एशिया कप ना खेलने की, आप पहले अपना पुट योर ओन हाउस इन ऑर्डर फर्स्ट। If you don't put here, आपको तो खुद नहीं पता कि आपका चेयरमैन आइंदा कौन सा होगा, रहेगा नहीं रहेगा। शोएब अख्तर यकीनन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के किसी अहम तरीन ओहदे पर आपको नजर आएंगे। आप शोएब अख्तर याद रखिए, अब आप पार्टियों के जो रंग भी बदलते हुए आपने देखे ना, बहुत सारे लोग बहुत अरसे से बाबर और रिजवान। ये दीस पॉलिटिशियंस हैव मेड, इन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपनी पर्सनल जागीर समझ के रखी हुई है। बेशर्मो, तुम लोगों ने पाकिस्तान क्रिकेट का दिवालिया निकाल रहे हो। बेशर्मो, तुम्हें जरा सी तो शर्म होनी चाहिए। तुम कर क्या रहे हो? तुम अपने हैं जो तुम्हारे पेट ऐसे हैं। जो चेयरमैन है मेरे ख्याल में आसिफ अली जरदारी, वो लाहौर में थे और नजम अजीज सेठी ने उनसे रिक्वेस्ट करी, मुलाकात की। मेरे ख्याल में जरदारी साहब ने टाइम नहीं दिया उनको मिलने का, तो समझदार के लिए इशारा काफी होता है कि अब मैं नहीं देखना चाहता चेयरमैन की कुर्सी के ऊपर, क्योंकि यहाँ सियासत किस तरह से, अब हम पॉलिटिक्स पे प्रोग्राम नहीं करते, लेकिन जो हमारे यहाँ एक जोड़ जाड़ के गवर्नमेंट बनी हुई है ना, जका अशरफ को जिनकी सपोर्ट हासिल है, चले ऐसे इशारतन बोलते हैं, वो पार्टी सबसे स्ट्रॉन्ग है। मैं एक बात और बता दूं, सियासतदान इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद सियासतदानों में सबसे मिच्योर है। मैं एक बात और बता दूं, जका अशरफ के लिए सोने का सेज नहीं है। अभी वो आएंगे, इलेक्शन कराएंगे, इलेक्शन भी कराने 8-10 दिन इसमें लगने, फिर रीत आ जानी है, तो 10-12 दिन के बाद पता चलेगा कि जका अशरफ इस काबिल हो जाएंगे कि वो कुछ मीडिया पर बात कर सके, क्योंकि एक ही साल में तीसरे चेयरमैन हो जाएंगे। मैंने जब सुना ये वाला रात में 1:30 बजे के बाद, तो मुझे पता, मुझे याद आया कि यार रमीश भाई आए थे, उन्होंने कहा था कि यार जैसा सुन लो, इंडिया नहीं आएगा तो हम भी नहीं आएंगे खेलने, वो बचत का रास्ता ढूंढ रहे थे। फिर उसके बाद सिटी साहब आए, उन्होंने तो भभांगे धौल का कि इंडिया अगर खेलने नहीं आएगा तो हम भी नहीं, दोनों चले गए, जैसा वहीं खड़े हैं। अब फिर नए चेयरमैन आ गए, ये आप बता रहे थे कि ये पहले भी कह चुके हैं कि ऐसा करूंगा मैं कि इंडिया नहीं आएगा तो पाकिस्तान में नहीं जाएगा खेलने। तो क्या वो जो थ्योरी पाकिस्तान ने बनाई है, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ लाला, मगर आप रवाना हुए पाकिस्तान से और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में उथल पुथल मच गई है। सवेरा आई मीन के हमारे बड़ों ने इस कॉम को ये डायरेक्शन ही नहीं दी पाई, इस कॉम ने जाना किस तरफ है, तो ये तो एक चेयरमैन की बात है। तो आई मीन के इस तरह की डिसीजन समझ से बाला तर है कि हर चीज में हम पॉलिटिक्स को इन्वॉल्व करते थे, हमारे तो पाकिस्तान में मस्जिदों में पॉलिटिक्स आ गई है, तो बाकी दुआ ही कर सकते हैं सवेरा।
बिल्कुल यही है। और लाला मगर जब गेम सेट मैच पे ये बात कोई तकरीबन एक हफ्ते पहले हो गई थी, जब आईपीसी मिनिस्टर मजारी साहब जो हैं वो गेम सेट मैच पे आए थे लाला, तो उसी वक्त उन्होंने ये मेंशन किया था कि ये तो कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट हो जाएगा कि नजम सेठी जो कि मैनेजमेंट कमेटी को हेड कर रहे हैं और मैनेजमेंट कमेटी की जिम्मेदारी है इलेक्शंस करवाना, तो ये तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा कि वो खुद भी उन इलेक्शन में जो है वो खड़े हो जाएं और उसके लिए मतलब सबसे ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर बन जाएं। और ये तो पहले से हमने प्लान किया हुआ था जब ये गवर्नमेंट बनी थी कि जो मिनिस्ट्री जिसके पास होगी उसके अंडर उसी के लाला जो जो उन्होंने बात की थी एग्जैक्टली वो हम आपको शॉर्ट सुना देते हैं और फिर आगे उस पर फर्दर ऑन डिस्कस करते हैं। सेठी साहब खुद आना चाह रहे हैं, इट इज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जी, ही इज हेडिंग द मैनेजमेंट कमेटी, ये मिनिस्ट्री पीपल पार्टी के पास है, तो लिहाजा इधर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन पीपल पार्टी का ही बंदा होगा। यानी हम जका साहब को आते हुए देख रहे हैं, जका अशरफ साहब को। बिल्कुल जी इंशाल्लाह। तो एक हफ्ते पहले ही लाला ये खबर यहाँ गेम सेट मैच पे हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी, इसीलिए अब ये जो दो हमें नॉमिनीज के नाम दिख रहे हैं वो जका